वीडियो में बताने वाला हूं कि आप YouTube चैनल कैसे बनाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। सबसे पहले प्रूफ देखिए, यहां पर एक चैनल है जिस पर 12 मिलियन व्यूज आया है सिर्फ 28 दिन के अंदर में, 12 मिलियन व्यूज, और उस व्यूज का पैसा आया है देखिए यहां पर 878,000 या 75,000 है, मतलब मैक्सिमम 8 लाख यहाँ पर है। आप ध्यान से देख लीजिए, 28 दिन में 8 लाख रुपया सिर्फ YouTube चैनल बनाकर ये बंदा कमाया है। तो आप भी अपने YouTube चैनल को बनाइए। आज ही इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि YouTube चैनल कैसे बना सकते हैं। YouTube चैनल बनाकर उस पर वीडियो डालिए, मेहनत कीजिए, आप भी इतना ज़्यादा रुपये कमा सकते हैं कि सरकारी जॉब वाला भी उतना नहीं कमाता होगा दोस्तों। आप सारे को पीछे कर देंगे, बट आपको यहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि YouTube चैनल कैसे बना सकते हैं। एक फ़ोन से आप बना सकते हैं, सिर्फ एक फ़ोन आपके पास होना चाहिए, जिस फ़ोन से आप वीडियो देख रहे हैं उसी फ़ोन से आप YouTube चैनल बनाइए, उसी से वीडियो बनाइए और अपलोड कीजिए YouTube पर। पहले चैनल बनाना होगा, चैनल कैसे बनाया जाता है ये भी बताऊंगा, उसमें मोबाइल नंबर कैसे वेरीफाई करना है, वीडियो अपलोड कैसे करना है, चैनल को सर्च में कैसे लाना है। कोई भी YouTube पर आपके चैनल का सर्च करे तो चैनल आपके सर्च में कैसे आएगा, आपके चैनल का नाम क्या रखना चाहिए, ये सारे कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और A to Z सेटिंग आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ एकदम। आज की इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको YouTube चैनल चलिए मैं लाइव बनाकर दिखाता हूँ और A to Z सेटिंग भी करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू। तो दोस्तों YouTube चैनल बनाने के लिए सबसे पहले अपने YouTube को एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन YouTube एप्लीकेशन जैसे ही ओपन करेंगे तो एक ऊपर की तरफ में देखिएगा एक आइकन आ रहा होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपका फोटो लगा होगा या तो आपके नाम का अक्षर आ रहा होगा, आपका जो भी जीमेल आईडी का नाम होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है अपने आईडी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है योर चैनल पर, ठीक है। आपको योर चैनल पर क्लिक करना है, योर चैनल पर जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट चैनल, ठीक है। तो क्रिएट चैनल पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कि मेरा चैनल क्रिएट हो चुका है, देख लीजिए चैनल क्रिएटेड, यूट्यूब चैनल क्रिएटेड हो चुका था, अभी यहाँ पर एक ओपन शो हुआ था बट यहाँ पर देखिए हो चुका है। तो मैं यहाँ से बैक कर दे रहा हूँ, उसके बाद अपने यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ आईडी पर, फिर योर चैनल पर क्लिक कर रहा हूँ। योर चैनल पर क्लिक करने के बाद देखिए मेरा नेट स्लो है तो फिर भी मेरा यहाँ पर चैनल बन चुका है, और देखिए नो वीडियो नो सब्सक्राइबर, ये मेरा चैनल का नाम है, ये मेरा यहाँ पर लोगो भी सेव कर सकते हैं और वीडियो अभी नहीं डाला गया है, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल बन गया है। अब इसे कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, मोबाइल नंबर कैसे डाल सकते हैं, इसे सर्च में कैसे ला सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर पेंसिल वाले पर क्लिक कीजिएगा, आपको नाम चेंज कर लेना है, ठीक है। अपने चैनल का नाम क्या रखना चाहते हैं, और चैनल का नाम रखते समय ये याद रखिएगा कि जिस भी नाम से आप चैनल बना रहे हैं उस नाम से देख लीजिएगा यूट्यूब पर सर्च करके, उस नाम से कोई और चैनल है उस पर कितना सब्सक्राइबर है ज़्यादा। यदि आपके चैनल का नाम है रोहित यादव और रोहित यादव से एक चैनल बना हुआ है, उस चैनल पर 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो फिर आपका चैनल उस चैनल के नीचे ही सर्च में आएगा। तो अपने चैनल का नाम सर्च जब भी आप चैनल का नाम रखते हैं तो ये इतना याद रखिएगा सर्च करके यूट्यूब पर कि उस नाम से कोई और चैनल ना हो ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला, ठीक है। तो अपने चैनल का नाम यूनिक रखना, तो मान लीजिए मैं रोहित यादव ही रखना चाहता हूँ तो रोहित यादव कर दिया हूँ। यहाँ पर मैं अपना फोटो चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से बैनर लगा सकता हूँ, तो चलिए मैं फोटो लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फोटो पर क्लिक कर रहा हूँ, फोटो पर क्लिक करने के बाद देखिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद देखिए एक फ़ोटो में कोई सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मान लीजिए मेरे यही फोटो लगाना है, तो मैं इस फोटो को ऐसे करप करके यहाँ से सेट ए प्रोफाइल पिक्चर में सेट कर दिया हूँ फोटो, तो देखिए यहाँ पर अभी सेव हो जाएगा, थोड़ा सा वेट लगेगा। यहाँ पर डुप्लीकेशन में लिख लीजिएगा कि आप इस चैनल पर क्या वीडियो डालेंगे, किस रिलेटेड ये चैनल है, कॉमेडी या मान लीजिए रोस्टिंग या म्यूजिक चैनल है या टेक चैनल है, जो भी होगा यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। यहाँ से सब्सक्राइबर भी प्राइवेट कर सकते हैं और ये प्लेलिस्ट भी प्राइवेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपका यूट्यूब चैनल बन चुका है, उसके बाद यहाँ से आप बैक आ जाइए, ठीक है। मेरा देखिए यहाँ पर फोटो लग गया है बट अभी यहाँ पर फोटो भी दिखाने लगा। जब भी अपना नाम हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके पेंसिल पर क्लिक करके आप नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये तो बन गया है यूट्यूब चैनल। अब देखिए दोस्तों करना क्या है, अपने क्रोम ब्राउजर को एक बार ओपन करना है। अब इसे कस्टमाइज कैसे करना है, मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद होम स्क्रीन पर आपके क्रोम ब्राउजर के आ जाना है और यहाँ पर लिखना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखना है स्टूडियो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चलिए लिख रहा हूँ स्टूडियो, स्टूडियो आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर मैं ध्यान से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, studio.youtube.com। आपको यहाँ पर नीचे वाले पर नहीं क्लिक करना है, जो आप लिख कर सर्च कीजिएगा यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए और डॉट भी होना चाहिए, आपको ध्यान से देख लेना है। स्टूडियो लिखना है, उसके बाद स्पेस नहीं देना है, डॉट दे देना है, फिर वहीं पर बिना स्पेस के यूट्यूब लिख देना है, फिर डॉट देना है, फिर कॉम लिख देना है और सर्च कर देना है। चलिए मैं सर्च कर रहा हूँ,
सर्च करने के बाद डेस्कटॉप वर्जन पर आपको क्लिक करके डेस्कटॉप वर्जन आपको इनेबल कर लेना है यदि इस तरीके का ना आए तो। ठीक है, तो इसे थोड़ा मैं जूम करता हूँ। जूम करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर की तरफ मैं दिखाता हूँ कोने में, देखिए यहाँ पर मेरा आइकन दिखा रहा होगा, बल्कि दूसरा मेरा चैनल है जो जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं ना, यही चैनल यहाँ पर अभी देखिए लॉगिन है। तो यहीं पर डीपी पर क्लिक करके मैं उस आईडी को लॉगिन कर ले रहा हूँ। ठीक है, स्विच अकाउंट कर ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर स्विच अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, आप स्विच अकाउंट पर क्लिक करके उस आईडी को आप स्विच कर सकते हैं। यदि मेरा चैनल का नाम था रोहित यादव, देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ पर स्विच कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर स्विच कर रहा हूँ। स्विच करने के बाद कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए फिर से एक डेस्कटॉप वर्जन में क्रोम ब्राउजर में आपका चैनल खुल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूँ। वेट करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का आपका चैनल आएगा। अब यहीं पर आपको कस्टमाइज करना है और सेटिंग करना है, जो आप सेटिंग करना ही चाहिए। मोबाइल नंबर कैसे वेरीफाई कर सकते हैं सारे कुछ बताने वाला हूँ, और चैनल को सर्च में कैसे ला सकते हैं, चैनल की कैटेगरी कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, चैनल का क्या नाम है, सब कंट्री कहाँ का है, यहीं पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि दोस्तों आप यूट्यूब चैनल बना लिए तो ये ज़रूर कीजिए। देखिए यहाँ पर वेलकम टू स्टूडियो ऑप्शन आ रहा है, तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए अब थोड़ा सा इसे जूम करके नीचे की तरफ में थोड़ा सा जूम करता हूँ, और देखिएगा नीचे की तरफ में आया हूँ तो एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से कट करके हटा रहा हूँ, और देखिए एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग की। ठीक है, तो सेटिंग वाले पर मैं क्लिक करूँगा। तो चलिए सेटिंग वाले पर क्लिक कर दे रहा हूँ और थोड़ा सा इसे जूम आउट कर ले रहा हूँ। उसके बाद एक जनरल का ऑप्शन आ रहा है, तो आप जनरल पर, तो ये चैनल मोनेटाइज होने के बाद ही ये काम होता है कि आप अपना अर्निंग कैसे देखेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चैनल पर क्लिक करना है दूसरे नंबर पे। चैनल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना है, आपके चैनल का किस कंट्री से आपका चैनल है दोस्तों। ठीक है, तो मेरा इंडिया है तो मैं इंडिया कर लूँगा, आपको भी ये सेलेक्ट करना है। यदि आप अपने कंट्री को गलत सेलेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, तो आपका चैनल जल्दी ग्रो नहीं होगा, आपका वीडियो दूसरे देश में दिखाया जाएगा और यूट्यूब नहीं समझ पाएगा कि आपके वीडियो को किस देश में दिखाना है। ठीक है, तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। और अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा कीवर्ड का, तो कीवर्ड में आपको लिखना क्या है, देखिए अपने चैनल का नाम डालना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर दिखा दूँ, तो मेरे चैनल का नाम है रोहित यादव, तो यहाँ पर अपना लिखूँगा रोहित। ठीक है, रोहित लिखूँगा यहाँ पर, चलिए मैं रोहित लिख ले रहा हूँ, रोहित यादव। ठीक है, तो यादव, ठीक है, यहाँ पर यादव लिख दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर यादव रोहित लिख दूंगा। अपने चैनल का नाम थोड़ा सा घुमा फिरा कर आपको लिखना है कि किस तरीके से लोग आपके चैनल के नाम सर्च कर सकते हैं। तो यादव रोहित, रोहित कुमार यादव, रोहित यादव, या यादव रोहित, यहाँ पर रोहित कुमार भी लिख सकते हैं, सिर्फ रोहित भी लिख सकते हैं। तो अपने चैनल का नाम यहाँ पर घुरा फिरा कर आपको डालना है, तभी जाकर आपका चैनल सर्च में आएगा। और सर्च में कब आएगा, जब आपके नाम से, जिस नाम से आपका चैनल है उस नाम से कोई और बड़ा चैनल नहीं होना चाहिए, तब आपका चैनल सर्च में 5-6 दिन में आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने कीवर्ड 500 डाल देना है चैनल के रिलेटेड। उसके बाद यहाँ से आपको सेव कर देना है। नीचे की तरफ में एक सेव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करके, यहाँ पर आप सेव पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद यहाँ पर एडवांस का एक फीचर आ रहा है, तो एडवांस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पर नीचे वाला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ से नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर फ्यूचर इनिजिबल पर आपको क्लिक करना है, और दूसरे नंबर पर एडवांस वाले पर क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, पहला यहाँ पर देखिए इनेबल है। ठीक है, यहाँ पर इनेबल लिख रहा है, बट ये दोनों इनेबल नहीं है, तो इन दोनों को इनेबल करना है। तो दूसरे नंबर पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, दूसरे नंबर पर देखिए यहाँ पर आता है मोबाइल नंबर वेरीफाई। ठीक है ना, फ़ोन नंबर वेरीफाई का एक ऑप्शन आ रहा है। अपने वीडियो पर जो भी पोस्टर लगाया जाता है, थंबनेल या पोस्टर, उसे मोबाइल नंबर जब वेरीफाई करेंगे तभी लगेगा। 15 मिनट से बड़ा वीडियो अपलोड करना है तभी होगा जब आपके चैनल में फ़ोन नंबर वेरीफाई होगा। कस्टम थंबनेल कब लगेगा, जब आपके फ़ोन में चैनल में फ़ोन नंबर वेरीफाई होगा। और लाइव स्ट्रीम कब आ सकते हैं, जब आपके चैनल में फ़ोन नंबर वेरीफाई होगा। ठीक है, तो आपको फ़ोन नंबर यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। फ़ोन नंबर वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इस तरीके से कोड मंगाना चाहते हैं अपने मोबाइल पर, टेक्स्ट कोड मंगाना चाहते हैं या वॉइस मैसेज करके, तो मैं यहाँ पर पहले वाले पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैसेज मेरे फ़ोन पे आएगा, उसके बाद यहाँ पर अपने कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना है और गेट कोड पर क्लिक कर देना है। और ये मोबाइल नंबर जो दीजिएगा यहाँ पर, उसी नंबर पर एक कोड आएगा और कोड को इंटर करना होगा। यहाँ पर गेट कोड पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पर कोड का ऑप्शन आएगा। चलिए मैं फॉर्म फिलअप करता हूँ। देखिए मैं गेट कोड पर क्लिक किया हूँ। गेट कोड पर क्लिक करने के बाद जैसे ही मेरे फ़ोन पर 6 डिजिट का कोड आएगा, यहाँ पर मुझे इंटर करना होगा। देखिए कोड आ चुका है 800, यहाँ पर मुझे कोड डालना होगा 800 80 0 80 0, यहाँ पर लिखना होगा 80 0 1 0 7
7 4। ठीक है, उसके बाद सबमिट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, फ़ोन नंबर वेरीफाई। मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन का ऑप्शन भी आ चुका है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसे बैक करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से मुझे बैक जाना होगा। बैक जैसे ही जाते हैं तो देखिएगा कुछ इस तरीके का, एक और बैक जाना है, फिर बैक जाना है आपको, और क्रोम ब्राउज़र को आपको ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर मोबाइल नंबर मेरा वेरीफाई हो चुका है। और तीसरा नंबर का ऑप्शन यहाँ पर इनेबल कब होता है, जब ये आपके एक्सेस फ्यूचर, अब यहाँ पर एक्सेस फ्यूचर पर आपको क्लिक करना है। जैसे वाला तीसरा नंबर ऑप्शन आप ऑटोमेटिक यहाँ से एटी हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर जैसे ही क्लिक करते हैं, सेव कर देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ से अपने चैनल की एनालिटिक्स भी देख सकते हैं। यहाँ से एनालिटिक्स पर क्लिक करके एनालिटिक्स भी देख सकते हैं। और यूट्यूब वीडियो डालना चाहते हैं तो यूट्यूब को एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा। आप चैनल आपका वेरीफाई हो चुका है, सर्च में भी आने लगेगा, 2-4 दिन वेट कीजिए। अब YouTube पर वीडियो कैसे डालना है ये भी बता दे रहा हूँ। तो YouTube पर यहाँ पर प्लस वाले पर आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपलोड ए वीडियो पर क्लिक करना है, और जिस भी वीडियो को आपको डालना है उस वीडियो को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उस वीडियो को यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद वीडियो प्राइवेट करके डालिएगा, वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा प्राइवेट, पब्लिक, अनलिस्टेड। तो अनलिस्टेड आप प्राइवेट कर सकते हैं, पब्लिक नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद YT स्टूडियो आपको एक डाउनलोड कर लेना है। YT स्टूडियो डाउनलोड करने के बाद यहीं से आपको थंबनेल लगाना है, टाइटल डालना है, टैग डालना है, और इसी से एनालिटिक्स भी आप चेक कर सकते हैं कि कितना आपके सब्सक्राइबर है, कितना किस वीडियो पर कितना व्यूज आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट में आइएगा, और जो भी वीडियो आप अपलोड किए होंगे वहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके एडिट वीडियो पर क्लिक कीजिएगा। एडिट वीडियो पर वहाँ पर आप यहाँ से थंबनेल डाल सकते हैं। यहाँ से आप थंबनेल डालिएगा, थंबनेल डाल दीजिएगा। उसके बाद अपने यहाँ पर डोन जो भी थंबनेल लगाना चाहते हैं यहाँ से थंबनेल लगाकर डोन पर क्लिक कीजिएगा। टाइटल डाल सकते हैं, डुप्लीकेशन डाल सकते हैं। डुप्लीकेशन में आपको डालना है कि वीडियो के बारे में, कि इस वीडियो में आप क्या बताए हैं, आप लिंक दे सकते हैं। टाइटल मतलब इस वीडियो का टॉपिक टाइटल क्या है, इस वीडियो का टॉपिक क्या है, आप किस वीडियो पर किस टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं, आपको यहाँ पर टाइटल डाल देना है। उसके बाद पब्लिक, आपको यहाँ पर पब्लिक सेलेक्ट कर देना है। इट्स नॉट मेड फॉर किड आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऐड टू प्लेलिस्ट भी डाल सकते हैं, यहाँ से कैटेगरी और जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं, टैग डाल सकते हैं। उसके बाद पब्लिक क्लिक करके आप यहाँ से सेव कर दीजिएगा, आपके वीडियो पब्लिक हो जाएगा, यूट्यूब पर पब्लिक हो जाएगा, यूट्यूब आपके वीडियो को इंप्रेशन दिखाना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बता दिया कि यूट्यूब चैनल से बनाने से लेकर पैसे कमाने से लेकर आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करने से लेकर और यूट्यूब वीडियो अपलोड करने तक का प्रोसेस इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।